अच्छा जी, आज की लेटेस्ट वीडियो जो है ये है $1 शॉप, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। पूरे कराची में अब जगह जगह पे जो है इस तरह की $1 शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। तो ये मैंने आज विज़िट किया, हमारे बहुत ही नियर बाय है समामा शॉपिंग मॉल, जो कि बहुत फेमस है। समामा शॉपिंग मॉल के पास ही जो है RBS एक और शॉपिंग मॉल है, जो कि बिल्कुल बरअक्स है समामा शॉपिंग मॉल के। तो उसी में ये जो $1 शॉप का इनकार हुआ है। चलिए जी, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है क्रॉकरी से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट जो है वो प्लेज़ होता है हर शॉपिंग मॉल का, कि हर बंदा जो है वो हर लेडीज़ सबसे पहले क्रॉकरी का ज़रूर एक दफ़ा मुआयना करती है। तो यहाँ पे बच्चों के आइटम थीम्स काफ़ी सारे थे। अच्छा जी, ये बिल्कुल न्यू अभी डेवलप हुई है शॉप, तो यहाँ पे इतनी यूज ऑफ वैरायटी तो नहीं है बनिस्बत अनदर $1 शॉप के, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी वैरायटी रखी हुई थी, और मतलब मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। जो है वो न्यू चीज़ें और न्यू थीम्स थी। क्रॉकरी की बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग थी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये जो जितने भी मेला माइंस के आपको यहाँ पे क्रॉकरी के बर्तन नज़र आ रहे होंगे, इन सब की जो है ना बड़ी हार्ड टाइप ऑफ क्रॉकरी थी, लेकिन बड़ी शाइनिंग वाली। ये ख़राब नहीं होती है, मतलब धुलने के बाद भी आप इसे अरसा दर अरसा चलाते रहते हो तो ये ऐसे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी थी नो डाउट इसमें, और वही सब 160 अराउंड यहाँ पे हर चीज़ 160 की थी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे आइटम भी रखे हुए थे जो कि 160 के नहीं थे, वो 80 रुपीज़ से स्टार्ट थे, यानी कि 80 से स्टार्ट होते हैं जो छोटे छोटे आइटम्स हैं ना उनको उन्होंने, वरना अनदर आप स्टोर पे जाए तो वहाँ पे छोटे से छोटा आइटम जो है वो भी आपको 160 में ही परचेज़ करना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे मतलब इन्होंने अपने तौर पे जो है वो काफ़ी वैरायटी जो है इसमें रखी हुई है, जो कि टोटली जो है वो घरेलू किस्म का, जितना भी आप आइटम किचन के हवाले से लेना चाहते हैं आप जो है वो इस तरह से पॉलीथिन बैग्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, क्रॉकरी की बड़ी यूज ऑफ एक वैरायटी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह से बास्केट्स हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने भी काफ़ी सारा सामान लिया था यहाँ से छोटा छोटा, क्योंकि इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है इस तरह का सामान ख़ासतौर पे हाउस वाइफ्स को, तो उस टाइम जाके लगता है कि घर में काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यक ज़रूरत है, तो ये भी ले ले बंदा, वो भी ले ले। इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स हो गए, टोकरियाँ होगी, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि 160, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि 160 में तो लग रही थी कि हाँ सही है, कुछ ऐसी लग रही थी कि नहीं यार 160 थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, मतलब कहीं कहीं कुछ ऐसा लगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ईरानी प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे हुए थे, जैसे कि इस तरह की, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये कोई बाहर का आइटम नहीं, ये सारा ईरानी है, क्योंकि मैं ईरानी स्टोर से शॉपिंग वगैरह करती हूँ। इस तरह की जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होती हैं बड़ी ज़बरदस्त मिल जाती हैं, इसलिए मुझे इतनी हावनाव तो है। अच्छा, जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा ना यहाँ पे, जो मेरी फेवरेट चीज़ नज़र आई वो थी ये क्या कहते हैं परफ्यूम्स, इस तरह से ये बड़े ज़बरदस्त, ये सारे टेस्टर्स थे और इसमें से मैंने जो चूज़ किए वो तीन मैं इसमें से ले चुकी थी और बड़े ही ज़बरदस्त थे। इसकी खुशबू फ्रेगनेंस बहुत ही हसीन थी, मतलब कि आउट क्लास थी इनकी फ्रेगनेंस वगैरह। ये कम्फर्ट है जो लोग यूज़ करते होंगे लॉन्ड्री के लिए, कपड़ों के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए, मर्दाना शर्ट्स वगैरह के लिए, और इस तरह से ये रूम स्प्रेज़ वगैरह भी यहाँ पे, ये सब 160 की रेंज में थे। इस तरह से ये रोल ऑन्स वगैरह भी थे, तो काफ़ी अच्छी और यूज और क्वालिटी एंड क्वांटिटी बिल्कुल इन्होंने परफेक्ट रखी हुई थी। आप जाते हो तो आपको हर चीज़ समझ में आ रही होती है कि हाँ ये भी लेना, फजूल चीज़ें नहीं थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल क्वालिटी वाइज इन्होंने हर चीज़ रखी हुई थी, हर प्रोडक्ट रखा हुआ था। और इस तरह की ये अच्छा कुछ ऐसी थी, अच्छा ये भी ये जो क्रीम्स ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी ये भी ईरानी हैं, क्योंकि मैंने देखी है वहाँ पे तो ये ईरानी स्टोर पे मिलती हैं इस तरह की। बाकी इस तरह से फेस वॉश वगैरह हो गए, ये सब 160 ईच थे जितने भी थे यहाँ पे। इसके अलावा आपको ये वैसलिन वगैरह की इस तरह की छोटे छोटे उसमें नज़र आ रहे होंगे पैकेट्स वगैरह में, तो ये भी 160 के 4 थे। और यहाँ पे आपको अभी मैं नेक्स्ट जो है वो ज्वेलरी सेक्शन दिखाती हूँ। अच्छा, ज्वेलरी में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो 80 रुपीज़ से स्टार्ट थी, यानी कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि छोटा सा क्लिप है या कोई ऐसी टॉप्स वगैरह है तो वो हमें एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, वो 80 रुपीज़ से भी स्टार्ट है, 80 से स्टार्ट होता है, और मतलब 80 रुपीज़ है और उसके बाद 160 रुपीज़ है, इसके बीच में ऐसा कोई प्राइस उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ। टोटल ये वाले भी जो थे ये सब 160 के थे,
कुछ इसमें 80 रुपीज़ के भी थे। बाकी आप थोड़े थोड़े बड़े बड़े एयरिंग्स भी देख रहे होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें। तो काफ़ी लंबी वीडियो है, जो लोग विंडो शॉपिंग करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जो लोग आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो वो लोग आराम से बैठ के जो है ना ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबी चौड़ी होने वाली है। बड़ी तफसील से मैंने बनाई है ताकि हर एक को आइडिया हो, अगर जो क्योंकि इसी तरीके से मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो बाकी स्टोर्स पे होती है। और आजकल ये इतना ट्रेंड में आ गया है वनडोलो शॉप। मैंने लकी वन वाला जो है वो भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहें उस वीडियो को। तो वहाँ पे भी बड़ी अच्छी वैरायटी है। ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी उनके पास जगह कम थी, सामान उन्होंने बहुत सारा डाला हुआ था, और इसके अलावा उन्होंने कपड़े वगैरह भी, बच्चों की शर्ट्स पैंट्स इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई थी। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, ये बच्चों की छोटे छोटे क्लिप्स पोनी, ये 80 रुपीज़ की हैं, मतलब 80 से स्टार्ट है इनका। इसके अलावा ये वॉच वगैरह आप देख सकते हैं, ये सारी 160 की थी। अच्छा, ये मैंने इस टाइम तो मैं वीडियो बना रही थी ना, तो इतना मैंने गौर फिक्र किया नहीं। बाद में मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बच्चों के लिए यहाँ से वॉच ले सकती थी मैं, और मुझे उस टाइम याद ही नहीं रहा कि मैं ले लेती। लेकिन बहरहाल ये मैंने एक पेन लिया, अक्सर आपने 5 मिनट क्राफ्ट और इस तरह की वीडियोज़ में देखा होगा, वो लोग एग फ्राई करते हैं अलग अलग शेप से, तो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा लगा, क्योंकि बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो मैंने सोचा कि चलो एग के लिए इस तरह का। वैसे ये स्ट्रॉबेरी शेप थी इस पैन की, एग फ्रायर पैन की। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ थोड़ा बहुत इस तरह का, ये जो अभी ईद आने वाली है, तो ये जो आप हमर्स वगैरह देख रहे होंगे और इस तरह की चीज़ें हो गई। अच्छा, ये 160 का ईच है, 80 रुपीज़ का भी है यहाँ पर। इसमें जो सामान है, कैन कटर्स वगैरह रखे हुए थे इस तरह से, ये बर्तन धोने वाले यानी डिश वॉशर के लिए, और ये किचन के थोड़े थोड़े इक्विपमेंट थे, सारे के सारे अच्छे लग रहे थे ये सारे। और क्वालिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। आप क्वालिटी के वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो हर क्वालिटी की जो बात की जाए ना, तो कोई भी थर्ड क्लास नहीं थी, किसी की रबड़ ऐसी नहीं थी कि बहुत ही रफ़ एंड टफ़ हो या कुछ इस तरह से हो। तो ये मैं अपने बेटे को ही दे रही थी कि आप ये भी आप बास्केट में जो है वो ऐड कर लो। इसके अलावा स्पूंस वगैरह हो गए, स्टील के बर्तन का थोड़ा छोटा सा एक रेंज थी, इस तरह से तशले वगैरह जैसे होते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे मेरा नेक्स्ट विज़िट इंशाल्लाह होगा फॉर कम्प्लीटली जो शॉपिंग के लिए होगा, क्योंकि अभी मुझे वीडियो भी बनानी थी और साथ में जो है वो छोटा मोटा जो भी सामान था वो ख़रीदना था, साथ में बच्चे भी थे। तो फटाफट जो है मैंने इसको वाइंड अप करने का किया, और इस तरह के स्टील के बर्तन का भी छोटा सा एक इन्होंने पोर्शन सा बनाया हुआ है, क्योंकि अभी न्यू स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे लोग वीडियोस देखेंगे उनको हावना होगी। गुलशन और गुलस्तान जौहर, गुलशन और ये जो पट्टी है गुलशन साइड की, इनके लिए बहुत ईजी है। जो लोग लकी वन जा सकते हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो लोग यहाँ समामा साइड पर आना चाहते हैं वो यहाँ से भी आके आराम से इस वनडोलो शॉप से जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ब्यूटी कॉस्मेटिक का जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप किया हुआ था, और बड़ी यूज रेंज थी, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। जो लोग बड़ी अच्छी हावनाओं रखते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उनके लिए तो समझ लो कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन मुझे चूँकि इतनी हावनाव नहीं है, मैं जिस सेलेक्टिव चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना नहीं होता आइडिया, खासतौर में कॉस्मेटिक वगैरह का, तो इसके मामले में थोड़ी सी मुझे नहीं पता चलता इतना ख़ास, लाइनर किस तरह का होना चाहिए, मस्कारा किस तरह का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इतनी रेंज थी, और ये सारे, अच्छा इसमें 160 के भी थे, 8 मैंने आपको पहले भी बताया कि जो छोटा आइटम होगा ना वो 80 रुपीज़ से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये मेरे फेवरेट हैं फेस मास्क, इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है। ये चाइना के होते हैं, लेकिन इतने कोई आला किस्म के होते हैं, इनका रिज़ल्ट इतना कोई ज़बरदस्त है, आप जो 450 वाले लगाते हो ना, सेम वही रिज़ल्ट दे रहे होते हैं। इस तरह के ये सॉफ्ट लिप जो है वो कलर, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें इतनी थी यहाँ पे कॉस्मेटिक की कि आपको हर चीज़ इतनी अट्रैक्ट करेगी। मैंने यहाँ से 2 जो है वो मास्क इस तरह के, एक मैंने पोपाया का लिया, एक मैंने विटामिन मास्क लिया है, और इसके अलावा मैंने 2 चारकोल के लिए थे मास्क, क्योंकि 2 जो थे ना चारकोल वाले 160 के थे, और ये जो उसके अलावा आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये जो पोपाया टाइप है, ये 80 रुपीज़ के थे। मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता कि 80 रुपीज़ का जो है वो मास्क भी आता होगा, वरना क्या आता है 80 रुपये में।
तो ये आप वीडियो बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, और जब भी आप जाएँ तो पूरा एक माइंड बना के जाए। वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को घर बैठे बहुत सारी रहनुमाई मिल सके, हेल्प आउट हो सके, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमने वहाँ जाके क्या लेना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, इस तरह से आप लिपस्टिक देख सकते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं, और जिनको अच्छी भावना है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चाहे यहाँ पे कॉस्मेटिक की बात कर ली जाए या चेस साइड पे बात कर ली, ये लोग बड़ी ज़बरदस्त जो है ना, ये भी आप देख सकते हैं, ये जो अक्सर हम लोग क्रीम्स में इम्प्यूल्स वगैरह ऐड करके जो अप्लाई कर रहे होते हैं फेस मास्क वगैरह के लिए भी, ये इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर लिप बाम्स वगैरह थी इस तरह से, तो एक अच्छी यूज ऑफ वेराइटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोग विज़िट करें ज़रूर जाके, क्योंकि नियर बाय है, गुलशन वालों के लिए तो बहुत इजी। अभी तो वैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ईद है सर पे, तो ईद की वजह से अच्छा, वैसे अभी यही रमज़ान वाली ईद होती है ना तो बहुत रश होता है, लेकिन क्योंकि बकरा ईद है, लोग कुर्बानी में होते हैं ना लगे हुए, तो इतना रश वश नहीं था यहाँ पर, मतलब कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बड़ा कोऑपरेट किया सब ने, यहाँ जो भी स्टाफ वगैरह था। आप आराम से जाके, ये हेयर कलर था मेरे हाथ में, मैं इसे सही से कैप्चर नहीं कर पाई, ये भी 160 का था। और जोलंज की जो ब्लीच होती है वो भी मैंने ख़रीदी, जो कि 80 रुपये में मुझे यहाँ से मिली, 80 रुपीज़ में। इस तरह का छोटे छोटे से कॉस्मेटिक काफ़ी सारा यहाँ पर आपको मिलेगा, बहुत अच्छी वेराइटी थी। मैक का आपको नज़र आ जाएगा, ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये भी इसमें 80 रुपीस वाले भी थे और 160 वाले भी थे, आप ले सकते हैं यहाँ पे। आप अच्छी रेंज में अच्छी क्वालिटी का मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आप ख़रीद सकते हैं, ये भी ब्लेंडर्स वगैरह थे यहाँ पे, और वैक्स बीन थे जो कि 160 रुपीस का, वरना आपको पता है कि अगर आप वैक्स बीन मंगवाते हैं तो वो कितना एक्सपेंसिव होता है, 250-300 रुपये से तो स्टार्ट होता है उसका एक पाउच। यहाँ पे वैक्स बीन्स के भी जो थे वो पाउच थे वो 160 रुपीस के थे, यानी कि इजी थे, और लेना अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। बाकी की जो आगे की वीडियो है वो सारी की सारी कॉस्मेटिक पे, आप आराम से तसल्ली से वीडियो को पूरा देखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इस तरह के व्लॉग्स और इस तरह की जो वीडियोस होती हैं जो शॉपिंग से रिलेट होती हैं और जो न्यू आइडियाज़ से रिलेट होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर तो जाहिर सी बात है चैनल कुछ भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ये हार्ड बीन्स का भी था, जो लोग वैक्स वगैरह प्रेफर करते हैं उनके लिए बेस्ट है, आप ले सकते हैं। और रिज़ल्ट वाइज क्वालिटी वाइज तो आपको कोई डाउट नहीं हो सकता इस पर। ये बच्चों का छोटा सा पोर्शन था, मैंने इस तरफ इसलिए कैप्चर नहीं लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, सो कॉल्ड उसी तरीके की थी जैसे होती है, लेकिन कोई ख़ास थीम नहीं थी यहाँ पे, मतलब बच्चों की छोटी छोटी थी, मोनोपोलिस हो गई, इसके अलावा स्लाइम्स वगैरह हो गई, क्ले हो गई, ये छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह थे। ये इस तरह से ब्रशेस वगैरह आप देख रहे होंगे, ये भी 160 के थे अराउंड, और जो सिंगल थे वो भी मेरे खास मुझे अच्छे लगे इसमें से, तो मैंने एक जो है ब्रश लिया अपने लिए इस तरह का, वो 160 का ही था। अगर आप इस तरह से लेने चाहते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतने का ही मिलता है, यहाँ से मैंने एक लिया था। और ये थी मेरी आज की कंप्लीट वीडियो, जो कि है $1 शॉप पे और समामा शॉपिंग मॉल के बिल्कुल नियर बाय, RBS का शॉपिंग मॉल है, RBS शॉपिंग मॉल है, और ये दोनों बिल्कुल एक साथ ही हैं। आप जब जाओगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्टेयर्स वगैरह चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको सामने नज़र आ जाएगा, या आप किसी से भी पूछ लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप विज़िट करना चाहें तो इन दिनों भी कर सकते हैं, वैसे तो बरसात के दिन है कराची में, लेकिन आप ईद के बाद ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आई होप सो। और ये मेरी शॉपिंग है जो मैंने एंड टू एंड वाइंड अप की, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। एंड दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ये जो RBS शॉपिंग मॉल है, ये मॉल ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बस जाते जाते जो भी थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग देखी, यानी कि मैंने जो भी मनाजिर वगैरह देखे यहाँ पर, तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे शॉप्स नज़र आई, और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है शॉप्स पे कपड़ों का, और अच्छी वैरायटी मुझे नज़र आई। तो ये तो वही बात है कि फुर्सत में अगर मैं होती, थोड़ा सा टाइम होता, तो मैं यकीनन कुछ वीडियोस के क्लिप ले सकती, कुछ शॉप्स वगैरह के यहाँ से क्लिप ले सकती,
ज़रूर विज़िट कीजिएगा इन मॉल्स का। और यहाँ पे शादी वगैरह के कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। तो मैंने जाते जाते जो नज़र मारी, मैं सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ कि ये मॉल इसके अंदर खुद भी ऐसी ज़बरदस्त शॉप्स हैं, जब आप पूरा विज़िट करोगे या इस तरह के कोई कपड़े वगैरह ख़रीदोगे। और सबसे बड़ी बात है, इन मॉल्स में आपको रीज़नेबल प्राइस पे हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हालांकि मैं अल्लाह हाफिज़ कर चुकी थी, लेकिन एकदम से याद आया कि छोटा सा क्लिप अभी बाकी है। तो चलिए जी, टेक केयर, बाय बाय।